2014 माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला और भारत प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। भारत में हो रहे सर्वव्यापी प्रगति और विकास में गोवा भी देश के साथ था। केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से गोवा आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ोतरी के प्रमाण है उत्तर से लेके दक्षिण गोवा के नेशनल हाईवे और विभिन्न प्रोजेक्ट्स, जिसमें चाहे अटल सेतु हो या फिर मनोहर परिकर काणकोणा बाईपास हाईवे या फिर स्टेट ऑफ द आर्ट 8 लेन जुआरी ब्रिज, जिसका काम तेजी से जारी है। गोवा की प्रगति में कई मील के पत्थर जुड़ते ही रहे हैं। इतना ही नहीं, कृषि, वन्य, व्यवसाय, चिकित्सा या शिक्षा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गोवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ता दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के सफल नेतृत्व से गोवा भी समस्त भारत के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। आज गोवा के विकास में समर्पित कुछ नए कीर्ति स्तंभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोवा और देश को समर्पित किए जा रहे हैं। पहला, आगवाद फोर्ट म्यूजियम। यह विशाल किला गोवा के इतिहास का एक अटूट स्तंभ है। अपने इतिहास में अजय रहा यह किला अपने समय में विश्व भर के लिए भारत का द्वार था। पर्यटन मंत्रालय भारत स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत आगवाद किले की कारावास और अन्य क्षेत्रों को पुनः निर्मित किया गया है, ताकि स्वतंत्रता संग्राम के हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। इस कार्य के हेतु स्वदेश दर्शन स्कीम द्वारा 27 करोड़ की राशि खर्च की गई है। गोवा स्वतंत्रता संग्राम का यह अनमोल भाग जनता को समर्पित किया जा रहा है। दूसरा, गोवा मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्मित भारत का सबसे बड़ा गोवा मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 386 करोड़ की लागत से बना जनता को समर्पित चिकित्सा क्षेत्र में एक नवीनतम भेंट है। 540 बेड और 20,000 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंक से युक्त ये अस्पताल लोगों के बेहतर इलाज के लिए निर्मित किया गया है। विशेष रोगों के इलाज में अग्रिम ये अस्पताल पूरे गोवा में अपने जैसा एकमात्र चिकित्सालय है और हर दृष्टिकोण से चिकित्सा आधुनिकता का विशिष्ट उदाहरण है। तीसरा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जिला अस्पतालों की धूल मूल छवि को बदलते हुए गोवा सरकार ने आधुनिक उपकरणों से लैस इस अस्पताल का निर्माण कर जनता को एक अनुपम भेंट दी है। 220 करोड़ की लागत से बना ये अस्पताल 7 लाख लोगों की सेवा में आएगा। इसमें 500 बेड, 18 ICU और हर प्रकार की लैब सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल का हर बेड ऑक्सीजन सुविधा युक्त है। साथ ही इसमें 2 ऑक्सीजन प्लांट्स भी निर्मित किए गए हैं। ऑक्सीजन की यह अमूल्य सुविधा पीएम केयर्स की सहायता से ही प्राप्त की गई है। चौथा, विमानन कौशल विकास संस्थान मोपा हवाई अड्डा। मोपा एयरपोर्ट का भाग विमानन कौशल विकास संस्थान मूल रूप से युवाओं के प्रशिक्षण पर केंद्रित किया गया है। 1500 से अधिक विद्यार्थी क्षमता वाले इस नवीनतम संस्था में आरंभिक 16 प्रकार के प्रशिक्षण नियोजित हैं। गोवा में विमानन संबंधी रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही मोपा हवाई अड्डे में यह प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है, ताकि विद्यार्थियों को हाथों हाथ शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों मिल सके। पांचवा, गैस इंसुलेटेड पावर प्लांट दावोर लिम नवेले। ऊर्जा मंत्रालय की योजना इंटीग्रेटेड पावर प्लांट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत दावोर लिम नवेले में मेक इन इंडिया के अंतर्गत निर्मित ये नवीनतम गैस इंसुलेटेड पावर प्लांट आधुनिकता का अद्भुत उदाहरण है और गोवा का पहला गैस इंसुलेटेड पावर प्लांट है। गैस इंसुलेशन को उपयोग में लाकर ये पावर प्लांट कम जगह में ज्यादा उत्पादन करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। ये पावर प्लांट न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 18,000 घरों को कम से कम 20 वर्षों तक धारा प्रवाह ऊर्जा भी प्रदान करेगा। गोवा की प्रगति गाथा का अभी बस आरंभ ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा की सेवा में समर्पित और तत्पर हैं। जय हिंद, जय गोवा।